हिमालयन काला भालू, जिसे हम एशियन काला भालू के नाम से भी जानते हैं, एक अकेला रहने वाला जीव है जो हिमालय के ऊंची पहाड़ी जंगलों में तथा दक्षिण एशिया के घने वनों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये सबसे बड़े भालू होते हैं। रहन सहन तथा आकार में ये अपने करीबी अमेरिकन काला भालू के समकक्ष होते हैं। इनकी छाती पर एक हल्के सफेद रंग का अर्धचंद्राकार निशान होता है, जिसकी वजह से इन्हें चांद भालू भी बोला जाता है। साथ ही इनकी ठोड़ी का रंग भी सफेद होता है। अन्य भालुओं की तरह ये भी सर्वाहारी होते हैं। इनके आहार में प्रमुख रूप से एकॉर्न, नट, फल, शहद, जड़ एवं कीड़े मकोड़े जैसे कि दीमक और भृंग शामिल होते हैं। अनुमानतः इनकी लंबाई करीब 140 से 200 सेंटीमीटर होती है, जिसमें करीब 11 सेंटीमीटर की एक छोटी पूंछ भी शामिल होती है, और साथ ही इनकी ऊंचाई कंधों तक करीब 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। हिमालयन काले भालुओं का वजन 50 से 175 किलोग्राम होता है, जिसमें मादा आकार में थोड़ी छोटी और वजन में थोड़ी कम होती है। हिमालयन काले भालू स्वभाव से आक्रामक होते हैं और कई बार अपनी रक्षा में हमला कर देते हैं। ये पेड़ों तथा खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, जिन पर ये अक्सर भोजन विशेषतया शहद और फलों की तलाश में चढ़ते हैं। ये तैरने में भी माहिर होते हैं और कई बार भोजन की तलाश में नदी और नाले तैरकर पार करते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी होती है, पर सुनने तथा देखने की शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। भीषण ठंड के दौरान भालुओं की ये प्रजाति हाइबरनेशन या शीत निद्रा में चली जाती है। जहां जंगलों में ये अपना जीवन काल 25 से 30 वर्षों में पूरा कर लेते हैं, वहीं चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में ये 30 से 35 वर्षों तक भी जी सकते हैं। इन्हें यहां राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में उद्यान के निर्माण के समय लाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में ये 5 की संख्या में है, जिनमें एक नर एवं 4 मादा है।